हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर अरशद इनाम वेलकम्स यू अगेन टू माय यूट्यूब चैनल द एजुकेशनिस्ट। और आज हम बेटा स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मॉडर्न कॉन्सेप्ट एंड एंशिएंट कॉन्सेप्ट के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जिसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें कवर करेंगे। नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स। सो बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि कार्बन बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट होता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, तो इसीलिए इसको नाम दिया ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक को बेटा हिंदी में कहते हैं हम कार्बनिक। जब भी आप कार्बनिक वर्ड को सुनते हैं तो आपको कार्बन की फीलिंग आती है। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट कॉन्सेप्ट, पुराने टाइम में कुछ कंपाउंड जैसे यूरिया, शुगर, ऑयल, प्रोटीन, विटामिन, इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिविंग सिस्टम्स द्वारा उनसे आइसोलेट किया गया, इसलिए इनको भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया। और द केमिस्ट्री विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी ब्रांच जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करता है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। वहीं कुछ कंपाउंड्स ऐसे थे भाई जैसे फेरस सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, या इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिन्हें लिविंग सिस्टम से आइसोलेट किया गया, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक नाम दिया गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और द केमिस्ट्री विच डील्स विद द इनऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेसिकली इनको हम कार्बनिक कहते हैं और इनको हम अकार्बनिक कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एंशिएंट कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था भाई बर्जीलियस, और वो बर्जीलियस वो साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। बेटा इसको याद रखिएगा हमेशा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पितामह हैं, जो जनक हैं, वो बर्जीलियस कहलाते हैं। उन्होंने क्या किया, एक थ्योरी दी जिसको कहा गया वाइटल फोर्स थ्योरी। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स एग्जिस्टिंग इन द लिविंग सिस्टम कॉल्ड वाइटल फोर्स। यानी कि उन्होंने कहा है भाई कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड विदाउट वाइटल फोर्स, वाइटल फोर्स को जैव शक्ति कहते हैं। जैव शक्ति तो जीवों के अंदर ही मिलती है, तो लैब में उन्होंने कहा कि इनको लैब में बनाना इम्पॉसिबल होता है बिल्कुल। काफ़ी साल ये आपका कॉन्सेप्ट चला, ये थ्योरी उन्होंने 1815 के अंदर दी थी, लेकिन होलर नाम के एक साइंटिस्ट ने 1828 के अंदर एक एक्सीडेंटली उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर प्रोड्यूस किया। विद द डाउनफॉल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी द टर्म ऑर्गेनिक लॉस्ट इज ओरिजिनल मीनिंग, यानी कि जो पुराना कॉन्सेप्ट दिया था उसका कोई मायने रही नहीं रहे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेनिंग यूजुअली हाइड्रोजन एंड वन और मोर अदर एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, फॉस्फोरस आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि उन्होंने कहा है कि भाई जिस भी कंपाउंड के अंदर कार्बन प्रेजेंट हो या हाइड्रोजन प्रेजेंट हो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, या इसके अलावा कुछ और एलिमेंट भी देखने को मिल जाएंगे जैसे भाई आपका ऑक्सीजन है, आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इस तरह के एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, उनको हम हेट्रोएटम कहते हैं। याद रखिएगा द एलिमेंट अदर देन द कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा कॉल्ड हेट्रो एटम्स। यहाँ पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा और जिसके अंदर कार्बन नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बोनेट रेडिकल कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि इनका जो ऑरिजिन होता है वो नॉन लिविंग सिस्टम्स होता है। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से हमें बात समझ में आ गई। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स निकल कर आए। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सारी क्लासेस होती हैं, जैसे भाई आपके एल्किल हैलाइड है, एल्डिहाइड है, कीटोन्स है एट्सेट्रा।
लेकिन सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन को कहते हैं। ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लग रहा होगा आपको पता, हाइड्रो से हाइड्रोजन की फीलिंग आ रही है और कार्बन से कार्बन की फीलिंग आ रही है। इनको हम पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं, याद रखिएगा पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि जितनी भी दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कैटेगरीज हैं, क्लासेस हैं, वो हाइड्रोकार्बन से ही डिराइव होकर आती हैं। तो ये छोटी सी जानकारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इफ़ यू फाउंड ए वैल्यू सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह की और दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के, अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त एंड योर केमिस्ट्री टीचर औरदिन टेकिंग साइनिंग ऑफ। Thank you, have a nice day, and bye-bye.